बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक नारायण दत्त शर्मा ने कहा कि एक फिल्म में कात्या और काशी दो किरदार होते हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर कात्या का किरदार निभा रहे हैं और काशी का किरदार पंडित नवीन जय हिंद निभा रहे हैं। अगर इस कात्या से छुटकारा पाना है तो नवीन जय हिंद को फरीदाबाद लोकसभा की आवाम को जिताकर भेजना होगा। जैसे कि फिल्म देखी थी उसमें कात्या का नाम सुना होगा, कात्या और काशी देखी थी, तो कात्या का रोल तो कृष्ण पाल जी कर रहे हैं और काशी का रोल नवीन जय हिंद जी कर रहे हैं। अगर इस कात्या से छुटकारा पाना है तो नवीन जय हिंद को इस लोकसभा की आवाम ने, फरीदाबाद लोकसभा की आवाम ने जिताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठ, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर भाजपा लोगों के बीच में नहीं जा रही है। दिल्ली की सरकार के पास 5% पावर होने के बावजूद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी के मुद्दों पर कार्य कर लोगों का मन जीत लिया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। भाजपा सरकार देश की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो सरकार को पता नहीं रहता कि 350 किलो RDX कहां से आया। कहीं ना कहीं गुंडों की सरकार है, झूठ के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगती है, काम के नाम पर बता दीजिए मांग रहे हो तो। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, हमारे पास 5% शक्ति है सर, 5% पावर है, 5% पावर में हम स्कूलों का स्तर बदलते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं। आज स्कूलों की जो व्यवस्था 70 साल में नहीं बदली तो दिल्ली में बदल दी। स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, क्षेत्र में विकास पर बहुत सारे काम किए हमने, मोहल्ला क्लिनिक से लेके विदेश तक के आज लोग चर्चा करते हैं हमारे इस मॉडल पर। एक तरफ झूठ के ऊपर राजनीति करने वाले लोग हैं और एक तरफ सच के ऊपर राजनीति करने वाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बार बार हमला होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला भाजपा सरकार ने करवाया है। भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री एवं फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंडित नवीन जय हिंद पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, ये अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि कृष्ण पाल गुर्जर धन और बल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि पंडित नवीन जय हिंद दिल्ली में हुए विकास कार्यों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में अपार समर्थन मिल रहा है और 23 मई को आने वाले चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे और आम आदमी पार्टी को जीत हासिल होगी। देश सुरक्षित है हमारे हाथों में, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री किसके हाथ में है? आपकी पुलिस के हाथ में, वो सुरक्षित नहीं है। 350 किलो RDX आ जाती है, देश सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? इस झूठ की, जाति की, धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राजनीति की बात करने के लिए आपके बीच में आए। एक ब्राह्मण का बेटा जिसके बारे में चंद दिन पहले उसकी जाति के बारे में, उसके कुनवा के बारे में, उसके कुटुंब के बारे में टुच्चा बोला था। क्यों बोला था भाई? इसलिए बोला था कि ये रईसों की जमात है क्या? ये धन के बल पर ही चुनाव लड़ सकते हैं क्या? गुंडों के बल पर लड़ सकते हैं? एक गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता? इसलिए टुच्चा बोला कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है। इसलिए टुच्चा बोला वो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है। इसलिए टुच्चा बोला कि उस पर इनकी बराबर कोठी नहीं है, धन नहीं है, दारू नहीं है, पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गाली आम आदमी को दी है, ये गाली ब्राह्मण को दी है। और ये कहीं ना कहीं 12 तारीख को आप सबने बदला लेना है। सबको सबकी औकात पता है, कोई राजा के घर में पैदा नहीं हुआ। तुम झूठ बोलकर पॉलिटिक्स में आए हो, तुम धंधारू बांटकर पॉलिटिक्स में आए हो। हम इस राजनीति को बदलने के लिए पॉलिटिक्स में आए, जैसे दिल्ली में बदला है ऐसे हरियाणा में बदल के दिखाएंगे। अगर हरियाणा की आवाम को सस्ते रेटों में बिजली चाहिए तो नवीन जय हिंद को जिताना पड़ेगा। अगर हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर, झाड़ू के नाम पर वोट देना पड़ेगा। अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी को जिताना पड़ेगा। गाय की, गोबर की, झूठ की, धर्म की, हिंदू की, मुसलमान की राजनीति की बात करनी है तो उनको देख लीजिएगा।
अगर सच्चाई की बात करनी है तो सिर्फ नवीन जैन एक ऐसा आदमी है जो कहीं ना कहीं जीत कर अपनी आवाम का दिल्ली में जैसे काम हुआ है ऐसे करके दिखा सकता है।